हाँ जी जजनेन्द्र गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 26th क्लास है। एंड लीगल एप्टीट्यूड में कंपनी लॉ चल रहा है, तो कंपनी लॉ की ये हमारी 11th क्लास है। ठीक है जी, आ जाइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर कैपिटल कवर किया था, शेयर कैपिटल वाला टॉपिक। और अब हमें स्टार्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अब देखिए, जब भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात आती है, तो एक वर्ड हमेशा अपने दिमाग में रखिए, डी म्यूचुअलाइजेशन। डी म्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, जैसे कि मैं एक दुकान खोलकर बैठा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ, वो किसकी है? कहता है जी मेरी है, मेरी दुकान है, तो उसको रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वहाँ जो कुछ होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी मेरी है। और दुकान पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, मतलब रिजल्ट जो भी होगा प्रॉफिट का या लॉस का, वो भी किसका होगा? वो भी मेरा है। मतलब अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, प्रॉफिट या लॉस भी उसी का है। ठीक है, इसी तरह अगर पार्टनरशिप की बात करूं, तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कहता है जी पार्टनर्स की। और प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? कहता है जी वो भी पार्टनर्स का। तो मतलब यहाँ पर भी सेम पर्सन है जिनकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बात करें, तो जी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर हजारों इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स कह लीजिए, राइट? तो जी अगर मान के चलो किसी कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, इसका मतलब 10,000 लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जी कोलेक्टिवली ये लोग क्या है, पैसा किसका लगा हुआ है? इन 10,000 लोगों का, किसी का 100 रुपये लगा होगा, किसी का 500 लगा होगा, किसी का 1,000 लगा होगा, किसी के पास 10 शेयर होंगे, किसी के पास 50 शेयर होंगे, किसी के पास 1,000 शेयर होंगे, राइट? लेकिन कोलेक्टिवली हम इन्हें क्या कह सकते हैं? कहता जी कोलेक्टिवली दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट कोलेक्टिवली। क्या इंडिविजुअल शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है? द आंसर इज नो। कहता है जी इंडिविजुअल शेयर होल्डर, कोई अकेला शेयर होल्डर, इज नाइदर द ओनर, इज नाइदर द ओनर नोर एजेंट ऑफ कंपनी। ना तो कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर, मान के चलिए मैंने रिलायंस के 10 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं कहूँगा जी मैं रिलायंस का ओनर हूँ। सारे शेयर होल्डर्स मिलकर कलेक्टिवली क्या है? ओनर। ठीक है, अब जी अगर डिसीजन मेकिंग की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो जी 10,000 शेयर होल्डर्स तो कंपनी के बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर 10,000 लोगों को अलाउ कर देंगे कि जी आप कंपनी के डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे, यू कैन टेक द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो भैया काम तो हो ही नहीं सकता। हर आदमी की अपनी अलग सोच है, अपनी अलग समझ है, अपना अलग काम करने का तरीका है। तो जी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और पता चलेगा आपस में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो रही है, काम तो हो ही नहीं रहा, राइट? तो कंपनी फॉर्म बिजनेस में क्या कंसेप्ट लाया गया कि जी जिसकी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, वो डिफरेंट होंगे किन से? कहता है जिनका प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस किसका होगा? कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली किसका होगा? कहता है अल्टीमेटली ओनर्स ऑफ द कंपनी, और वो ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स तो प्रॉफिट एंड लॉस के भागीदार हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स की नहीं होगी, वो किसकी होगी? कहता है उसके लिए अलग से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए अलग से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। और जिनको अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा? कहता है जी शेयर होल्डर्स मिलकर, बाय मेजोरिटी। कौन अपॉइंट करेगा? कहता है बाय मेजोरिटी।
शेयर होल्डर्स मिलकर अपॉइंट करेंगे, कुछ 3 लोगों को 4 लोगों को 5 लोगों को, जितना बड़ा बिजनेस या जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कहता है जी शेयर होल्डर्स बाय मेजोरिटी वोट करेंगे, और वोट करके 3, 4, 5 लोगों को अपॉइंट करेंगे। किस लिए अपॉइंट करेंगे? कहता है टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जैसे अगर आप अपनी दुकान खोलकर बैठे हो तो हो सकता है आप तो सिर्फ गद्दी पर बैठे हो, गल्ले पर बैठे हो, काउंटर पर बैठे हो, काम तो वर्कर्स कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कर रहे हो? डायरेक्ट कर रहे हो। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो भैया आप तो ऑफिस में बैठे हो, काम वर्कर्स कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कर रहे हो? सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हो। इसी तरह कंपनी के केस में भी कहता है जिसका पैसा लगा हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का हकदार है, वो लोग कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोगों की जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है, 10,000 शेयर होल्डर्स, 20,000 शेयर होल्डर्स, 1,00,000 शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो सबको अलाउ नहीं किया जा सकता कंपनी के डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये लोग बाय मेजोरिटी कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, कुछ लोग मतलब मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन्स टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, सारे शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स की नहीं, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की नहीं, बल्कि सारे शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए जो मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन है टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन। बाईपासिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। तो जी मान के चलो मीटिंग बैठी कि जी डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो इन लोगों को क्योंकि दे आर द पर्सन्स हु डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इसलिए इनको नाम भी क्या दिया गया? डायरेक्टर्स। इनको नाम भी क्या दिया गया? डायरेक्टर्स, राइट। तो डायरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? कहता है डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर appointed to the board of a company। तो जी जितने भी लोगों को as director appoint किया जाता है उनको collectively क्या बोलते हैं? collectively क्या बोलते हैं? board of directors। जैसे मान के चलो अगर 5 लोगों को appoint किया गया किसी भी company में directors की position पर, तो collectively उन 5 लोगों को क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया, मिस्टर बी को अपॉइंट किया गया, सी को, डी को, ई को, तो बोला जाएगा मिस्टर ए इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मिस्टर बी इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एट प्रेजेंट देयर आर 5 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जी ये जो डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के डे टू डे बिजनेस को डायरेक्ट करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जी एक तो हो गया डे टू डे बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस में जो डेली बेसिस पे डिसीजंस लेने होते हैं। अब यहाँ पर भी डे टू डे बिजनेस में भी कहता है जी एक तो हो गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एक हो गया वर्किंग। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हेड कौन है? कहता है जी डायरेक्टर्स। फिर डायरेक्टर्स के नीचे कौन होगी? कहता है जी मैनेजमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स। फिर जी यहाँ पर मैनेजमेंट में भी कई लेवल होते हैं बड़ी कंपनीज में, तो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इस तरह बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, राइट। फिर जी वर्कर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लाइन। आपने शायद मैनेजमेंट पढ़ रखा है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि लाइन जो है, लाइन का मतलब क्या हुआ? दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग, राइट। तो डायरेक्टर्स कोई अपने हाथ से काम थोड़ी ना करेंगे, उनका मेन मोटिव क्या है? दे आर द बेसिकली टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी,
और वो सारे काम को डायरेक्ट करेंगे कि कंपनी का क्या एम होना चाहिए, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कंपनी की वर्किंग कैसे होनी चाहिए, किस किस एरिया में कंपनी को काम करना है, कहाँ कहाँ वर्क कंपनी को काम करना है. तो बेसिकली दे विल क्रिएट द मेजर पॉलिसीज फॉर द कंपनी. ठीक है, फिर एक हो गया जी इम्पोर्टेंट डिसीजंस. एक हो गया इम्पोर्टेंट डिसीजंस मतलब जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जैसे कंपनी अपनी कोई यूनिट सेल कर रही है, जैसे कंपनी शेयर कैपिटल शेयर सेल करके कैपिटल रेज कर रही है, डिबेंचर सेल करके कैपिटल रेज कर रही है, कंपनी का नाम ही चेंज किया जा रहा है या कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ही चेंज किए जा रहे हैं, तो इस टाइप के डिसीजंस क्या होगा, इम्पोर्टेंट डिसीजंस. इन डिसीजंस को कंपनी लॉ में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक ऐसे डिसीजंस विच कैन बी रिजोल्व बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब मेंबर्स की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है. डिसीजंस विच कैन बी रिजोल्व बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो बैठेंगे, बाय मेजोरिटी डिसीजन ले लिया जाएगा कि काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. ठीक है, दूसरे डिसीजंस क्या है, कहता है जहां पर मेंबर्स की अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एज पर कंपनी लॉ, डिसीजंस वेयर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो मतलब ऐसे डिसीजंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल तो रिक्वायर्ड है ही, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोसीड करने से पहले मेंबर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी. ठीक, इसके लिए मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी. तो इसका मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जैसे कंपनी का नाम चेंज करना, कंपनी की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, नाम ही चेंज हो रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना, अगेन कि कंपनी की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, पहले हम कहते थे ये कंपनी आईटी बिजनेस में है, अब कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में जाना चाह रही है, पूरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, या कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कंपनी की पहचान है कि कंपनी यार मुंबई की है, तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस को उठाकर दिल्ली में लेके आना, बाद में क्या कहेंगे कंपनी दिल्ली की है, राइट. तो आइडेंटिटी चेंज हो रही है. तो ऐसे मेजर मेजर डिसीजंस के अंदर कंपनी लॉ ने कहा भैया यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ऑल्सो, फॉर दैट यू हैव टू कॉल द मीटिंग ऑफ मेंबर्स. जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे उस केस में कंपनी लॉ ने कहा कि ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिजोल्व दैट मैटर, नो नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स. कहता है और नॉर्मल जो डिसीजंस हैं जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इवन मैनेजमेंट को भी डेलीगेट किए जा सकते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अब जी डायरेक्टर्स में भी इसका मतलब कुछ तो ऐसे डायरेक्टर्स हो गए जो डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व होंगे. डायरेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन टू डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी. ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मतलब डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व होंगे, जो डेली बेसिस पर मैनेजमेंट को गाइड करेंगे, कंपनी को गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. तो क्योंकि ये होल टाइम बेसिस पर कंपनी में डे टू डे बेसिस पर इन्वॉल्व हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स. बेसिकली दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, दोज डायरेक्टर्स हु आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. Employees of the company. तो ये सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं होते कंपनी में, बल्कि employees भी होते, क्योंकि इनको तो डेली कंपनी में जाना है, डेली कंपनी को डायरेक्ट करना है, मैनेजमेंट को डायरेक्ट करना है, कंपनी की वर्किंग को डायरेक्ट करना है. और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ कुछ मैटर्स रिजोल्व करने के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बुलाया जाता है, मतलब वो डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होते. डायरेक्टर्स which do not
get involved into day-to-day working, ऑफ कंपनी। तो इसका मतलब जब भी ये वाले डिसीजंस लेने होते हैं विच कैन बी रिजोल्व बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तब इनको कॉल किया जाता है, इन डायरेक्टर्स को, कि भैया आ जाओ, वी हैव टू रिजोल्व सर्टेन मैटर्स विच कैन बी रिजोल्व ओनली इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको बुलाया जाता है, तो इनको हम कहते हैं नॉर्मल डायरेक्टर्स, इनको दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, मतलब दोज हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, ऑल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मीन्स दोज हु आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हु आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नॉट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, राइट। तो इनको भैया डे टू डे बेसिस पे कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन इन सारी बातों से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो डायरेक्टर की पोजीशन है वो एक अकाउंटेबिलिटी की पोजीशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन है। जो हजारों लोगों ने मिलकर अगर किसी बंदे को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया है, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, तो भैया उस डायरेक्टर को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए, राइट। और अगर वो अपना काम पूरी ईमानदारी या पूरी मेहनत के साथ नहीं करता, तो भैया ये शेयर होल्डर्स उसको डायरेक्टर की पोजीशन से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिन्होंने अपॉइंट किया वो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी लॉ के अंदर भी डायरेक्टर के अगेंस्ट काफ़ी सारी हमारे पास प्रोविजंस है, अगर डायरेक्टर फ्रॉड करता है या अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, जिसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर के ऊपर दिखाया है, डायरेक्टर ने उसका विश्वासघात कर दिया शेयर होल्डर्स के साथ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइट, जिसके अगेंस्ट, मतलब जिस केस में डायरेक्टर के अगेंस्ट हम लोग एक्शन ले सकते हैं एज पर कंपनी लॉ, ठीक है जी। तो ये कौन अकाउंटेबिलिटी जहां बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां बात आती है, तो क्या हम किसी नॉन नेचुरल पर्सन को डायरेक्टर बना सकते हैं? मतलब जैसे किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा सकता है, या किसी HUF को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा सकता है? द आंसर इज नो। कहते जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसका सीधा कॉलर पकड़ा जा सके, और वो कौन हो सकता है, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन। Therefore, only a natural person can become the director of a company. पहली चीज तो ये समझिए, only a natural person मतलब individual, मतलब only an individual can become the director of a company, ठीक है। Non natural person cannot become the director of the company. दूसरी चीज, क्या director बनने के लिए कोई qualification required है? जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होना चाहते हो, तो आपके पास ICSI की मेंबरशिप होनी चाहिए।
अगर आप इस किसी कंपनी में एज ए चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट होना चाहते हो तो आपके पास भी ICAI की मेंबरशिप होनी चाहिए। आप किसी कंपनी में एज ए लॉयर अपॉइंट होना चाहते हो तो आपके पास बार काउंसिल की मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में एज MBA अपॉइंट होना चाहते हो तो आपके पास किसी न किसी MBA यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप किसी कंपनी में एज ए डॉक्टर अपॉइंट होना चाहते हो तो आपके पास डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह क्या किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? द आंसर इज नो। मान के चलो ABCD चारों अनपढ़ है, सेठ है, लाला लोग है चारों, मोटे मोटे पैसे हैं इनके पास, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। अब ये चारों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं तो चाहेंगे कि इस कंपनी को खुद ही मैनेज करें, राइट? तो भाई इनमें से कोई ना कोई एक बंदा दो बंदे कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, क्योंकि इन्हें अपने काम की पूरी नॉलेज है, पूरा एक्सपीरियंस है, दे आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब जी इन्होंने प्रपोज किया कि ABCD में से ए और बी जिनके पास पूरा टाइम था, इन्होंने कहा जी ए और बी तो बनेंगे होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। सी कहता है जी मैं ओकेजनली टाइम दे सकता हूँ बट डेली बेसिस पे टाइम नहीं दे सकता। तो भैया ये कहा कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी आपको बुला लिया जाएगा। और डी बोला जी मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी टाइम। तो डी को कहा गया ठीक है जी आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाइए, पैसे दीजिए, आपके पैसों की हमें रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर मत बनिएगा। तो इसका मतलब ए क्या है, अब कंपनी का शेयर होल्डर भी प्लस होल टाइम डायरेक्टर भी। बी क्या है, कंपनी का शेयर होल्डर भी प्लस होल टाइम डायरेक्टर भी। सी क्या है, कंपनी का शेयर होल्डर प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और डी क्या है, सिर्फ कंपनी का शेयर होल्डर। तो जी ABC डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, लेकिन एज ए डायरेक्टर ये अलग रोल प्ले करेंगे, एज ए शेयर होल्डर ये अलग रोल प्ले करेंगे, ठीक। अब अगर इनको कहा जाए कि भैया कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है डायरेक्टर बनने के लिए, तो ये तो कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम ही नहीं करेंगे, कहेंगे भाड़ में जाने दें, हम तो पार्टनरशिप में काम कर लेंगे। अगर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन रख दी जाती डायरेक्टर बनने के लिए, तो जो आदमी अनपढ़ नहीं, जो अनपढ़ है, जो आदमी उतना क्वालिफाइड नहीं है, वो तो कंपनी का डायरेक्टर बन ही नहीं पाता, फिर वो कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं, मतलब वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जाता ही नहीं, वो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप या एज ए पार्टनरशिप ही काम करता, राइट? तो इसलिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई। कहता है डायरेक्टर का मतलब अ पर्सन हु इज मोस्ट कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स को लगता है अगर मिस्टर एक्स इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, दैट्स अ वैलिड क्वालिफिकेशन, शेयर होल्डर को लगना चाहिए, वो अपॉइंट कर लेंगे, द पर्सन कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन कंपनी लो ने डिसक्वालिफिकेशंस बताई हुई है, क्वालिफिकेशंस तो नहीं बताई हुई, डिसक्वालिफिकेशन बताई हुई है। तो पहले एक बात का जवाब कि एनी क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, द आंसर इज नो। इवन एक अनपढ़ आदमी रिक्शा चलाने वाला जिसने जिंदगी में कभी लिखना भी नहीं सीखा, इवन दैट पर्सन कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, इफ दैट पर्सन कैन एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द लॉ, ठीक है जी। तो कोई क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन बताई हुई है। डिसक्वालिफिकेशन बताई हुई है, जैसे कि अगर कोई इंसान माइनर है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि डायरेक्टर बनने के बाद तो आपको कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा और लोगों के साथ, राइट? इसी तरह और भी डिसक्वालिफिकेशंस बताई हुई है। तो जी डिसक्वालिफिकेशंस अगर आपके सिलेबस में होगी तो आगे कवर करेंगे, बट फिलहाल मैं ये कहना चाहता था कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ओनली डिसक्वालिफिकेशन बताई हुई है। हाँ एक चीज़ जरूर है कि अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो यू मस्ट हैव DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DIN क्या है, कहता जी एक यूनिक नंबर, ठीक है।
जो कि एमसीए के डेटाबेस में, जब आप डिन के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे सारी डिटेल मांगी जाएगी आपकी, आपका नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फलाना डिन का, सारी डिटेल मांगी जाएगी। तो ये किस लिए है? कहता है दिस इज़ टू क्रिएट आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इन द डेटाबेस ऑफ एमसीए। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इन द डेटाबेस ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब गवर्नमेंट। तो जी जब आपको मान के चलो एक डिन नंबर दिया गया, ऐसे करके, ठीक है, ये आपका डिन नंबर है। अब जी ये एक यूनिक नंबर है और इस यूनिक नंबर को आपकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ अटैच कर दिया गया डेटाबेस में। अब जी आप लेट से दीप ज्ञान लिमिटेड में डायरेक्टर बने, तो आप आरओसी को इंटीमेट करोगे कि जी मैं दीप ज्ञान लिमिटेड में डायरेक्टर बनाऊं और ये मेरा डिन नंबर है, ठीक है, तो डेटाबेस में नोट हो गया। अब आपका जो डेटाबेस ऑलरेडी है एमसीए के पास, गवर्नमेंट के पास, वहाँ नोट हो जाएगा कि भैया मिस्टर फलाना इज़ नाउ द डायरेक्टर इन दीप ज्ञान लिमिटेड। फिर दोबारा आप एक्स वाई जेड लिमिटेड में बने तो आप इन्फॉर्म करोगे आरओसी को, तो भैया दोबारा से नोट हो जाएगा कि इसके आगे ऐड हो जाएगा कि और कहाँ पर डायरेक्टर हो आप, लो जी एक्स वाई जेड लिमिटेड। अच्छा दीप ज्ञान लिमिटेड ने कोई डिफॉल्ट किया तो गवर्नमेंट को पता चलेगा, तो वो भी आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा कि यहाँ पर जिसमें आप डायरेक्टर हो उसमें डिफॉल्ट किया हुआ है। कुछ डिफॉल्ट ऐसे हैं कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और उस कंपनी ने वो डिफॉल्ट किया है तो फिर आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, या फिर आपकी डिटेल देख के कोई भी पता लगा सकता है कि आप जिन कंपनी में डायरेक्टर हो वो कंपनी प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही, क्या आपने किसी कंपनी में डायरेक्टर बन के कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया है। तो आपकी जब कंप्लीट डिटेल एक जगह अवेलेबल होगी तो फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीज़ों को हाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एज ए डायरेक्टर यू बेसिकली हैंडल मनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मे बी लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा चंद डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो भैया आपकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, आपके हर एक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सिस्टम क्रिएट किया गया कि हर बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डिन दिया जाएगा। डिन नंबर लेने के लिए आपको कंप्लीट डिटेल अपनी देनी पड़ेगी जिससे आपको कहीं भी ट्रैक किया जा सके, राइट, और आपका पूरा रिकॉर्ड उस नंबर से लिंक्ड कर दिया जाएगा, बनता जाएगा, जैसे पैन नंबर होता है ना इसी तरह ये होता है। तो पूरा रिकॉर्ड आपका बनता जाएगा, जैसे ही वो नंबर डेटाबेस में डाला जाएगा गवर्नमेंट के, इमीडिएटली आपका कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा और कोई भी आपके बारे में पता लगा सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स अ बॉडी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट कंट्रोल सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्टर्स के जो सेक्शंस है वो सेक्शन 149 से स्टार्ट हो रहे हैं, डायरेक्टर्स के सेक्शंस सेक्शन 149 से स्टार्ट हो रहे हैं, और सेक्शन 149 ने सबसे पहली बात क्या कही है, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नॉन नेचुरल पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, ओनली नेचुरल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। दस नो बॉडी कॉरपोरेट एसोसिएशन फर्म शेल बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर। फिर जी इन्होंने कहा कि डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, बड़ी ही अकाउंटेबिलिटी की है। तो ये सेक्शन 166 सब सेक्शन 6 ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैंने फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए दे दिए। इस सेक्शन ने बड़ा क्लियर कट कहा कि अगर मुझे किसी कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाता है तो जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, वो मैं किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। जैसे मान के चलो मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है एज पर कंपनी लो,
या एज़ पर द MOA ऑफ द कंपनी, एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मुझे कोई काम करना है और मैंने वो काम अपने जूनियर को दे दिया, चल तू कर दियो, जूनियर ने नहीं किया तो गलती मेरी ही मानी जाएगी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मेरी ही मानी जाएगी। आई कैनॉट असाइन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर टू एनी अदर पर्सन। तो जिसको शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो ना अपना ऑफिस किसी और को असाइन कर सकता, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता। वो तो भैया अपने ऑफिस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर कुछ गलत होता है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है जी। दस असाइनमेंट ऑफ ऑफिस मेड बाय द डायरेक्टर शैल बी वॉइड। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस या ऑफिस का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वॉट ऑफिस इज, राइट। आ जाइए जी, हाँ जी, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए, कहता है जी रेजिडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है, कहता है मतलब जिसका स्टे इन इंडिया कम से कम कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 182 डेज इन इंडिया। स्टे इन इंडिया कितना है, एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जी मान के चलिए अगर आप कंपनी बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, तो जी कब से स्टार्ट हो रहा है, 1st of April 2020 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जो कि चलेगा 31st of March, ठीक है। तो जी इस फाइनेंशियल ईयर में यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, यू आर इनकॉर्पोरेटिंग मतलब आप कंपनी बना रहे हैं अ कंपनी, ठीक। तो जी आपकी कंपनी में कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए, किसी एक को ऐसे को डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया हो, कम से कम एक डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया। एवरी कंपनी लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट का मतलब क्या कहा, कहता है जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बना रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका स्टे इन इंडिया कम से कम कितना होना चाहिए, स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 182 डेज, ठीक है जी। पहले तो यहां तक बात समझिए, तो कम से कम 182 डेज का स्टे होना चाहिए, नॉट लेस देन 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कंपनी बना रहे हो। अब जी यहां पर दिक्कत ये आई कि मान के चलो मैं कंपनी बना रहा हूं 1st January 2021 को, तो जी 182 डेज का स्टे कंपलसरी है क्या मेरे लिए। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर आप 1 अप्रैल को कंपनी बना रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टे कम से कम कितना होना चाहिए, 182 डेज का। 1 अप्रैल को कंपनी बना रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टे कम से कम कितना होना चाहिए, 182 डेज का। अगर आप मान के चलिए बाद में कंपनी बना रहे हैं, जैसे मान के चलिए 1 जुलाई 1 अक्टूबर ठीक है, अगर मान के चलिए मैं 1 जुलाई को कंपनी बना रहा हूं, तो यहां पर तो अगर मैं कंपनी बना रहा हूं एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इन्होंने कहा कि भाई किसी ना किसी एक डायरेक्टर का इस फाइनेंशियल ईयर में स्टे होना चाहिए एटलीस्ट 182 डेज। कहता है जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर आगे बढ़ता जा रहा है, मान के चलो आप कंपनी बना रहे हैं 1 जुलाई को, तो आपका 1/4 फाइनेंशियल ईयर जा चुका है, 1/4 फाइनेंशियल ईयर जा चुका है, तो ये रिक्वायरमेंट भी 1/4 कम कर लीजिए, मतलब अब आपका कितना फाइनेंशियल ईयर रहता है, 3/4, कितना फाइनेंशियल ईयर रहता है, 3/4,
तो इस रिक्वायरमेंट को भी कितना कर लीजिए, 3/4। ठीक, अगर मान के चलो आप 1 अक्टूबर को कंपनी बना रहे हो तो आपका हाफ फाइनेंशियल ईयर जा चुका है, तो जी इस रिक्वायरमेंट को भी कितना कर लीजिए, हाफ। अगर आप 1 जनवरी को कंपनी बना रहे हो तो आपका 3/4 फाइनेंशियल ईयर जा चुका है, कितना रह गया, सिर्फ 1/4 फाइनेंशियल ईयर रह गया है, तो इस रिक्वायरमेंट को भी कितना कर लीजिए। तो यही बात नीचे वाली लाइन में लिखी हुई है, इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दीजिए, अगर आप 1 अप्रैल को कंपनी नहीं बना रहे तो, जैसे मान के चलो आप 1 मई को कंपनी बना रहे हैं, तो भैया 1 महीना जा चुका आपका, कितने महीने रह गए, 11 महीने रह गए, तो 182 डेज को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 12 इनटू में 11। ठीक है, 2 महीने जा चुके हैं तो डिवाइडेड बाय 12 इनटू में 10, इस हिसाब से आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर सकते हैं, इस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने कंपनी बना ही दी, उसके बाद तो फिर कंपनी कंटिन्यूटी में रहेगी, फिर तो हर साल ये चेक किया जाएगा कि आपके डायरेक्टर्स में कम से कम 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका स्टे उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम 182 डेज हो। ठीक है जी, याद रहेगा। आ जाइए फिर जी, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी की, किसी भी कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो अगेन सेक्शन 149 ने ही ये सब चीज़ें बता रखी है। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ने कहा कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 3, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1। तो जी 1 पर्सन कंपनी केस में मिनिमम 1 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। ये तो मिनिमम की बात की जा रही है। मैक्सिमम कहता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस वक्त मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस वक्त आप मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में, चाहे 1 पर्सन कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे पब्लिक कंपनी है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15। कहता है लेकिन अगर 15 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिए विद 15 डायरेक्टर्स और बाद में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज कर लीजिए, आप चाहे तो 15 से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, बट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 15। ठीक है जी, कहता है ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्ट्रिक्शन है 15 वाली रिस्ट्रिक्शन, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी याद है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आ जाइए जी, फिर इसने कहा कि भैया कुछ कंपनीज के केस में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। आजकल तो भैया जेंडर इक्वलिटी का जमाना चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना चल रहा है, तो यहाँ पर भी लाया गया कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स मेल ही होंगे, कुछ कंपनीज जिसमें स्पेसिफिकली पब्लिक इज इंटरेस्टेड वहाँ पर एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ कंपनीज के केस में। जैसे हम रेजिडेंट डायरेक्टर की बात करें तो लिखा हुआ है एवरी कंपनी, लेकिन वुमेन डायरेक्टर की बात करें तो कहता है जी कुछ कंपनीज के केस में, किन कंपनीज के केस में वो आगे देखेंगे। आ जाइए जी, तो अब हमें स्टार्ट करना है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स से। अभी तक आप क्या क्या डायरेक्टर्स में समझ चुके हैं कि भैया ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, हु कैन अपॉइंट द डायरेक्टर, कहता है जी मेंबर्स, बेसिकली मेंबर्स अपॉइंट द डायरेक्टर, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी असाइन टू समवन एल्स, एट लीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर शैल बी रिक्वायर्ड इन एवरी कंपनी। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब हुज स्टे इन द फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी लेस देन 182 डेज। इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वी कैन रिड्यूस दिस रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, फिर जी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कहता है जी मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मिनिमम 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक 1 पर्सन कंपनी,
एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, वन पर्सन हो, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अगर इनकॉर्पोरेट करने के बाद लगे कंपनी का काम बहुत ज़्यादा है, 15 डायरेक्टर्स आर नॉट सफिशियंट, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, बट दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एंड इन सर्टेन कंपनीज एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड. वो कौन सी कंपनीज है अगली क्लास में हम देखेंगे. फिलहाल मैं आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. हमने कहा जी कुछ मैटर्स ऐसे हैं विच कैन बी रिजोल्व इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स की मीटिंग में मतलब फॉर दोज मैटर्स कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, बट फॉर सर्टेन मैटर्स अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड. तो भैया फॉर दैट वी हैव टू कॉल द मीटिंग ऑफ मेंबर्स. अब जी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर दो ही तरह के मैटर है, एक विच कैन बी रिजोल्व बाय सिंपल मेजोरिटी. कंपनी लॉ में दो ही तरह के मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स ऐसे हैं विच कैन बी रिजोल्व बाय सिंपल मेजोरिटी. और कुछ मैटर्स ऐसे हैं विच कैन बी रिजोल्व यूनानिमसली, मीन्स अप्रूवल ऑफ ऑल, कंसेंट ऑफ ऑल. रिजोल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल, जिसे हम क्या कहते हैं यूनानिमसली. ठीक है, सबकी कंसेंट, जितने भी डायरेक्टर्स बैठे हैं किसी की भी ना नहीं होनी चाहिए, तभी उस मैटर को अप्रूव माना जाएगा. ठीक, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मोर देन 50%. मतलब अगर 7 डायरेक्टर्स बैठे हैं तो 4 की हाँ होनी चाहिए, 8 डायरेक्टर्स बैठे हैं तो 5 की हाँ होनी चाहिए, 9 डायरेक्टर्स हैं तो भैया 5 की हाँ होनी चाहिए, 6 डायरेक्टर्स है तो 4 की हाँ होनी चाहिए, मींस मोर देन 50%. सिंपल सी बात इतनी है. ठीक है, अगर मान के चलो 6 डायरेक्टर्स हैं और 3 की हाँ है 3 की ना है, तो वहाँ पर जो चेयरमैन होता है मीटिंग का, उसके पास एक और वोट होती है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा वोट, जब टाई वाला मामला होता है तो अपनी एक्स्ट्रा वोट यूज़ कर सकता है, वो जहाँ भी वोट करेगा वही माना जाएगा. अगर वो मान लीजिए अपनी एक्स्ट्रा वोट यहाँ पर यूज़ करता है तो मान के चला जाएगा 4 हाँ में हो गई और 3 ना में. तो चेयरमैन के पास एक तो हमारे पास वोट होती है नॉर्मल वोट, एक कास्टिंग वोट भी होती है जिसे एक्स्ट्रा वोट मानी जाती है. ठीक है, वो कब यूज़ की जा सकती है, जब मामला टाई हो रहा हो. अब जी अगर हम बात करें मीटिंग ऑफ मेंबर्स की, तो दो रेजोल्यूशन आपको याद रखने हैं, एक सिंपल रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन. एक सिंपल रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन. सिंपल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, अगेन मोर देन 50%. ठीक है, तो इसका मतलब 1000 मेंबर्स वोट कर रहे हैं तो उसमें से 501 की कंसेंट चाहिए, 700 मेंबर्स वोट कर रहे हैं तो उसमें से 351 की कंसेंट चाहिए, मोर देन 50%. सिंपल सी बात है. ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या, एट लीस्ट 3/4 की कंसेंट, कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 3/4 मेंबर्स वोटिंग. जो मेंबर्स वोट कर रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 3/4 की कंसेंट चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, तो 3/4 और मोर, मोर देन 3/4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट 3/4 की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा 3/4 और मोर, नॉट लेस देन 3/4. ठीक है जी, तो जिन मैटर्स के लिए एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए
वो मैटर्स कहलाते हैं, मतलब वो रेजोल्यूशन कहलाता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और जहाँ पर सिर्फ मेजोरिटी की कंसेंट चाहिए ऐसे रेजोल्यूशन कहलाते हैं सिंपल रेजोल्यूशन। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लास ज़्यादा लंबी करने का कोई मूड नहीं है मेरा, ठीक है जी। तो वी विल स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कंसेप्ट सारे समझते जाइए, एमसीक्यू के केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहाँ से पूछा जा सकता है, तो कंसेप्ट सारे आपको पता होने चाहिए। तेज करवाने को मैं सिंपल करवा सकता हूँ जो सामने लिखा हुआ है बिना कुछ समझाए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज के केस में आपको रट्टा मार के लिखना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन पढ़कर समझकर फिर माइंड लगाकर कंसेप्ट लगाकर उसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए जी, टेक केयर।